तो ये वाला क्या दिया है आपको नया अरुणाचल जो प्रोजेक्ट में आपका जो रिसेंटली ट्रेनिंग हुआ था इसमें हमने इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। ये वाला कैन आप देख रहे हैं, इसका साइड में आपको दिखाई देगा यूएसबी पोर्ट्स, जहाँ पे 4 USB पोर्ट है, आपका HDMI भी है, VGA भी है और आपका स्पीकर कनेक्ट करने के लिए 2 स्लॉट है। साइड में आपको एक वाईफाई और ब्लूटूथ का प्रोविजन भी है। ये हो गया वाईफाई, ये ब्लूटूथ, किसी के साथ आपका इस साइड में वाईफाई मिलेगा, इस साइड में ब्लूटूथ। ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि यहाँ पे वाईफाई ये लगाना है, कहीं पर भी आप कुछ भी लगा सकते हो, ये वाईफाई ब्लूटूथ आप इसमें भी लगा सकते हो। लेकिन ये वाला अगर आप रिमूव कर दोगे तो आपको वाईफाई और ब्लूटूथ का एक्सेस नहीं मिलेगा। ये साइड में जो है पीछे में हो गया आपका स्पीकर, नीचे का पार्ट है आपका कंप्यूटर और ऊपर का पार्ट हो गया आपका प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर, नीचे कंप्यूटर, ये USB पोर्ट और आपका ये स्पीकर। और इसके साथ आपका एक्सेसरीज तो दिया गया है। अगर आपके पास ये वाला कीबोर्ड है पीला येलो वाला, तो येलो वाला लेने से आपको सेंसर माउस के नीचे मिलेगा। बहुत टीचर सोचता है हमें माउस नहीं दिया गया, माउस दिया है लेकिन सेंसर नहीं दिया कीबोर्ड का, ऐसा नहीं है, ये नीचे ही लगा होता है। और इसको कनेक्ट करने के लिए आपको ये खोलना होगा, खोल के इसमें बैटरी डालना होता है, फिर एक लाइट जलेगा और कीबोर्ड का बैटरी इधर डालने के लिए लेफ्ट साइड को आपको घुमाना है, प्रेस करना है, फिर इसको निकाल के आप इसे लगा सकते हो। इसमें सिर्फ एक ही बैटरी चाहिए, इसमें भी एक ही बैटरी चाहिए। और ये हो गया सेंसर 2.4 GHz ऐसे लिखा होता है, ये वाला कीबोर्ड और माउस का सेंसर। आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइए वाईफाई के साथ, वाईफाई में कुछ नहीं लिखा होता है लेकिन कीबोर्ड और माउस में आपका 2.4 GHz लिखा होता है। और जिसके पास ये वाला कीबोर्ड है इसमें 2 बैटरी चाहिए डालने के लिए, 2 बैटरी का प्रोविजन है, इधर एक और दूसरा, एक से मैं निकाल के लेता हूँ, इसे डालना होता है 2 बैटरी। और ये कीबोर्ड के लिए भी सेम 2 बैटरी इसमें डालना होता है। ये वाला कीबोर्ड और माउस के लिए आपका सेंसर बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है, इसका छोटा होता है, आप देख रहे हो ये छोटा वाला, लेकिन इसके लिए बड़ा है। और हमेशा ध्यान रखिएगा ये कोई पेन ड्राइव नहीं है, बहुत लोग ये पेन ड्राइव समझ के ले जाते हैं, पर ये एक सेंसर है कीबोर्ड और माउस के लिए। और ये वाला सेंसर सिर्फ इसी कीबोर्ड माउस में काम करेगा, दूसरे में नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी हम कैन ऑन करेंगे और एक देते हैं हम लोग स्टाइलस और पावर केबल। पावर केबल का 10 फीट लॉन्ग, 3 मीटर का लंबा होता है। और ये स्टाइलस, इसको ऐसे आप कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो। चार्ज करने के लिए इसको किसी बैग USB पोर्ट में लगा दीजिए, किसी भी 4 USB पोर्ट है आप किसी पोर्ट पे लगा दीजिए ऐसे, फिर ये आपका चार्ज हो जाएगा। चार्ज है कि नहीं कैसे देखेंगे, इसको प्रेस करना है। अगर रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है तो इसमें चार्ज है, अगर रेड लाइट नहीं ब्लिंक कर रहा है दैट मीन्स इसमें चार्ज नहीं है, चार्ज देना होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए ही चार्ज देना है, ज़्यादा नहीं। तो ये था कीबोर्ड और माउस के बारे में। तो अभी हम कैन ऑन करेंगे। कैन ऑन करने के लिए आपको पावर केबल को सॉकेट में डालना पड़ेगा। किसी भी एक सॉकेट में डाल के आपका ये पीछे में इसमें आपको ये वाला पावर केबल इंसर्ट करना होता है। फिर इसको ऑन करने से आपका इधर एक लाइट, रेड लाइट ग्लो करेगा। द रेड लाइट ग्लो मीन्स द मशीन इज रिसीविंग पावर। तो आपका ये ढक्कन हटाना है, फिर प्रोजेक्टर को ऑन कर दीजिए, ब्लिंक करेगा ब्लू। फिर आपको स्क्रीन में देखना है ऐसे कैन बोल के एक लोगो आएगा, लेकिन
जो स्किप कर लियो पारे ना वीडियो एडिटिंग में तो आप अभी इसको अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आगे की तरफ करने से ये छोटा होगा, पीछे की तरफ करने से ये बड़ा होगा। अभी ये स्क्रीन एडजस्ट हो गया है, उसके बाद आपको ये कंप्यूटर पार्ट को प्रेस करना है। द फर्स्ट बटन इज योर कंप्यूटिंग पार्ट, तो इसका बटन प्रेस करने से कंप्यूटर पार्ट ऑन हो जाएगा। ऐसे आपका लाइट चलेगा, ग्रीन, रेड, ब्लू। रेड लाइट मीन्स ये अभी बाय डिफॉल्ट म्यूट मोड में है, आपको इसको अनम्यूट करने के लिए प्लस बटन को प्रेस करना होगा। तो ऐसे आपका 30 सेकेंड लेगा आपका डेस्कटॉप आने के लिए। ये से डेस्कटॉप आ गया आपका। अभी हम क्या करेंगे, ये जो सेंसर है, ये सेंसर को हम किसी भी एक पोर्ट में डालेंगे ऐसे। और ये स्टाइलस, हालांकि इसमें चार्ज है, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए कनेक्ट करूंगा। इसको भी किसी भी एक पोर्ट में लगा दीजिए। तो स्क्रीन पे ऐसे एक मैसेज आएगा, आपको कैलिब्रेशन करना होगा। तो ऐसा वाला एक स्क्रीन आएगा आपका। आप कैलिब्रेशन दो टाइप से आप कर सकते हो, एक हो गया आपका मैनुअल, एक हो गया आपका ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक करने के लिए आपको जस्ट इसमें माउस से क्लिक करना होता है, जस्ट क्लिक द ऑटोमेटिक, और ये अगर एक मैसेज आता है तो आपको इसमें टिक करना है, वरना ये मैसेज बार बार आता रहेगा, ऐसे टिक करके देना है कंटिन्यू। फिर ये विल टेक एटलीस्ट 30 सेकेंड ऑफ टाइम। जो आपका प्रोजेक्टेड एरिया है, इट विल बिकम इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मीन्स आप इस स्टाइलस से इसको टच कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिक। अभी हम मैनुअल दिखाएंगे। जिसके पास स्मूथ सरफेस है, ऐसा स्मूथ वाल है, वो लोग ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन पे जा सकता है। जिसके पास स्मूथ वाल नहीं है, थोड़ा रफ सरफेस है, उसके लिए आपको मैनुअल में जाना होगा। मैनुअल में जाने के लिए आपको ऐसे डॉट डॉट कुछ आएगा, आपको ये सभी डॉट में क्लिक करना है। तो ऐसे आपको करना है मैनुअल कैलिब्रेशन।